अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। और दोस्तों आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज के ब्लॉग में तो दोस्तों आज हमारा माशाल्लाह से ईद है और एडवांस में मेरी तरफ़ से आप सबको ईद मुबारक। तो दोस्तों अभी हम नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, बिल्कुल जब फटाफट नमाज़ के लिए मैं रेडी हो चुका हूँ पूरा। मैंने जो है ना पूरी रात को जो है ना हमने जो है ना अपने मिनी जू को पूरा साफ किया था। देखो पहले इसकी क्या हालत थी, अभी देखो इसकी क्या हालत हो गई। मैं आपको दोबारा सही से दिखा देता हूँ। ये देखो माशाल्लाह से दोस्तों कितना साफ़ सुथरा हमने कर दिया है। और साफ़ सुथरा करने के बाद हमने अपनी बकरा और बकरी को यहाँ पे बांध दिया था, क्योंकि इनको तो ज़िबा नहीं करना था। जिनको जो ज़िबा होने वाले जानवर थे उनको अंदर बांधना, उनको बाहर बांधना था, और जो ये लोग तो ज़िबा नहीं होने वाले तो इनको जो ना हमने अंदर बांध दिया फटाफट, ये बकरा और ये बकरी। और जो हमारे ज़िबा होने वाले जानवर है दोस्तों, याद तो बहुत आएगी लेकिन मैं आप लोग को उनसे भी मिलवा देता हूँ। और बस नमाज के फौरन बाद जो है ना हमारा कसाई आएगा और वो जो है ना जानवरों को गिरा देगा। मैं आप लोग को अपने उस जानवरों से मिला देता हूँ और बस अभी चलते हैं डायरेक्ट बाहर की तरफ। दोस्तों हमारा जो ज़िबा होने वाला जानवर है ना दोस्तों, उसको मुझे लगता है अभी से ही पता लग गया। देखो रोने भी लग गई है हमारी भी लच्छी है। देखो दोस्तों यार ये बहुत याद आएगी और बहुत ज़्यादा मुझे बहुत उदासी हो रही है दोस्तों। उसको दिल तो कर रहा है ज़िबा ही ना करे, बहुत मैं क्या बोलूँ अभी दोस्तों, दिल बिल्कुल भी नहीं कर रहा है क्योंकि बहुत बहुत फेवरेट बच्ची है मेरी। ये मेरी पहली बार मैं अपनी पसंद की जो ना बच्चियाँ लेके आया और ये जो ना भी आज के दिन जो ना ज़िबा हो जाएगी। एक ये और दूसरी हमारी ये वाली बच्चिया दोस्तों, ये भी बहुत फेवरेट बच्ची है। बस इसके पैरों पे थोड़ा बहुत ज़ख्म हो गया था माशाल्लाह से, हमारी वरना बच्चिया बहुत अच्छी है। दोस्तों ये बच्चिया मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी जब हम लेके आए थे ना, सबसे ज़्यादा मुझे जो है इससे ज़्यादा जो है ना ये वाली बच्चिया पसंद थी, क्योंकि अपनी पसंद की बच्चिया लेके आया था। लेकिन इसको मुझे लगता है हाँ भाई जाने वाली है यार, छोड़ के तुम हमें यार बहुत याद आएगी। दोस्तों अभी फटाफट चलते हैं ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए और बस ईद की नमाज़ पढ़ के आएंगे और ये जो ना सबसे फर्स्ट जानवर हमारा ये वाला गिरेगा। नमाज़ पढ़ के आएंगे और फटाफट हमें कपड़े चेंज करने के बाद जो ना इस पर जो ना छुरी वुरी फेर दी जाएगी दोस्तों। और ये जो ना हमारे जो रिश्तेदार हैं, हमारे जो रिश्तेदार वगैरह ना, ये उनका जानवर है, ये आएंगे और वो लोग भी ये लेके चले जाएंगे। दोस्तों आज जो है ना हमारी बस्ती से मतलब आज सारे जानवर जो है ना ज़िबा हो जाएंगे, आज दो दिन के अंदर सारे जानवर जो है ना ज़िबा हो जाएंगे। फटाफट चलते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए क्योंकि जो ना खुतबा स्टार्ट हो गया, खुतबा भी ख़त्म हो गया, मतलब नमाज स्टार्ट हो गई है। अभी चलते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए फटाफट भागते हुए। दोस्तों हमारे सारे जानवर हो रहे, दूर होने का दिल भी नहीं कर रहा है बिल्कुल भी, लेकिन क्या करें कुर्बानी तो करनी है ना। दोस्तों हम नमाज वमाज़ पढ़ के आ गए और हमारे कसाई अंदर कपड़े वपड़े चेंज कर रहे हैं और यहाँ पे जो है ना इसको गिराने की तैयारी चल रही है इसको, और उसको जो ना ये वाले जानवरों को गिराने की तैयारी चल रही है। बस इसलिए तू वीडियो बना ली। दोस्तों वलीद अभी सारी बाइकें बाहर निकाल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जब गाय कट जाएगी तो इधर गोश्त वोश काटने के लिए जगह साफ हो रही है, तो वली सारी बाइकें अभी बाहर निकाल रहे हैं और ये सब सामान एक साइड पे होगा। नाजरीन मूवीज के साथ प्रेम होने वाला ईद मुबारक के साथ आई हो गया है दम डाल वाला। मेरा कज़न जवाद जो है ना, दोस्तों हमारे जो ना बकरी और छोटे बकरे को यहाँ पे बांध दिए हैं क्योंकि यहाँ पे जो ना हमारा एक जानवर का गोश्त वोश यहाँ पे कटाई होगा, एक जानवर का गोश्त वोश यहाँ पे कटाई होगा, तो इस वजह से जो ना हमें जो ना एक जानवर मतलब बकरी हमने यहाँ बांध दी है और बकरों को जो ना
बकरे को जो ना। ओ भाई तेरे से सुकून नहीं है, जवाब इधर आ, इसको बांध जल्दी आ। सारा पिंजरे विंजरे सब गिराएगा। और हमने बकरी और बकरे को एक साथ बांध दिए और इस बकरे को बाहर ले जाते हैं जवाब, ताकि यहाँ पे गोश्त, अबे धार मार दी ना सारा गोश्त खराब कर देगा यार, सारा गोश्त खराब कर देगा। अभी ले जाते हैं इसको फटाफट बाहर। दोस्तों हमारी चटाई आ चुकी है, लेकिन चटाई बिछाने से पहले हमें जो ना इधर झाड़ू वाड़ू मारनी होगी, ताकि ये गंद कचरा जो ना हट जाए। दोस्तों हमने चटाई वटाई तो बिछा दी है पूरी, और ये मुडिया वडिया भी रखेंगे, फुल सेटअप बनेगा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, खैर खैरियत से जो ना हमारी कुर्बानी हो गई। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, खैर खैरियत से हमारी जो ना कुर्बानी हो गई, और शुक्र ये लोग भी खैर खैरियत है। मुझे बस अपनी बकरी और बकरे की टेंशन थी, अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग डर वर ना जाए, इस वजह से हमने जो ना इसको यहाँ बांध दिया। और यहाँ पे हमारा सेटअप बना हुआ है, बहुत खूबसूरत सा दोस्तों, बहुत अच्छा सेटअप बना हुआ है। एक यहाँ बना हुआ है, एक हमारे जो ना घर के गैरेज के अंदर बना हुआ है। और यहाँ पे जो ना मुड़िया वुड़िया लगाई जाएगी चारों तरफ, और बीच में गोश्त रख दिया जाएगा इजीली। और बाहर जो है ना हमारे गोश्त की सफाई वफाई हो रही है, और फिर यहाँ पे ला के गोश्त रख दिया जाएगा। और दोस्तों दूसरा सेटअप जो है ना हमारा यहाँ बना हुआ है, एक जानवर का गोश्त यहाँ पे होगा, और एक जो ना हमारे बराबर वाले घर में होगा, मतलब दूसरे वाली जगह पे होगा। और फटाफट यहाँ पे गोश्त वोश रखा जाएगा, फिर मैं आप लोग से मिलता हूँ। दोस्तों यहाँ पे जो ना हमारे जानवर का गोश्त वोश निकाला जा रहा है, ये ब्राउन वाला जानवर है हमारा, उसका पेटा वेटा ये रहा। अभी गोश्त की सफाई वफाई हो रही है, गोश्त लेके जा रहे हैं अंदर।